बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूँ शहबाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जे एस मेडिसन में आपको वेलकम करते हैं। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है जी गर्दन गोरी करने के बारे में, यानी कि अगर आपकी गर्दन काली है तो उसे जो आप गोरा कैसे कर सकते हैं। जी हाँ व्यूअर, ये जो मैं आपको नाज नुस्खा बताऊँगा ये सिर्फ़ और सिर्फ गर्दन के लिए है, ना कि आप जो इसे चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ व्यूअर, इसे जो है आपने सिर्फ़ और सिर्फ गर्दन पर इस्तेमाल करना है। अगर आप गर्दन पर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी गर्दन जो है बिल्कुल ये वाइट हो जाएगी, जैसे कि आप थंबनेल में देखा ही होगा, स्क्रीन पर जो है देख रहे होंगे कि बिफ़ोर एंड आफ्टर, यानी कि पहले किस तरह से गर्दन सी और बाद में किस तरह हो गई है। इसलिए जो है दोस्तों ये सस्ता नुस्खा है। अगर आप हमारे चैनल पर नई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस लाजमी करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आपने जो है इनो को लेना है और एक जो है लेमन लेना है, यानी कि एक लेमन लेना है और इनो लेना है। इनो को जो है आपने आधा गिलास पानी में डालना है और लेमन को जो है एक लेमन जो है आपने उसमें निचोड़ देना है। इन दोनों को जो है आपने मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो है इसको जो है एक और लेमन लेना है, उसके साथ जो है उसी पानी को जो है अपनी गर्दन पर आपने मसलना है, यानी कि थोड़ा बहुत जो है आप रगड़ेंगे। जैसे जो है आप जो है अपनी गर्दन पर जो है उस पानी को जो है नींबू के साथ रगड़ते रहेंगे, मसलते रहेंगे, तो आपकी गर्दन जो है वाइट हो जाएगी। और इसी तरह जो है आपने एक से दो हफ्ता जो है लगातार यही काम करना है। अगर आप एक से दो हफ्ता जो है ये लगातार यही काम करते रहते हैं तो इंशाल्लाह आपकी जो गर्दन है वो बिल्कुल वाइट हो जाएगी। पहले से जो आप देखेंगे कि वो जो है आपको वाइट नज़र आएगी। ऐसी और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन का जो प्रेस बेल आइकन है उसे प्रेस लाजमी करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए हमें इजाज़त है। अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आती तो आपने जो हमें कमेंट लाजमी करना है। अल्लाह हाफिज़।